हेलो दोस्तों, बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को हम सरल करेंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ। इसका फिर डी सॉल्व करेंगे। इसमें दो दो क्वेश्चन होंगे अथवा वाले, उन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। हमारा क्वेश्चन है 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 + 16 sin 2x dx ज्ञात कीजिए। तो ये हमें एक फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² का होता है 1/2a log a + x / a - x और प्लस का c। अब ऐसे क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या करना है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t मानना है। तो क्यों माना है? क्योंकि ये हमें प्लस में चाहिए ऊपर। तो देखो, साइन एक्स का तो हो गया कॉस एक्स और कॉस एक्स हो गया माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया? डी टी। अब हम सीमा क्या रखेंगे? ऊपर वाली π/4 है। जब x बराबर π/4 रखेंगे यहाँ, तो साइन π/4 - cos π/4 0, तो t बराबर क्या हो गया? 0। और जब x बराबर 0 रखेंगे, साइन 0 - cos 0, तो 0 - 1, मतलब t बराबर क्या आ गया? -1। अब हमारी सीमा ये बन गई। अब देखो, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को हमने टी माना था। अब इसके हम दोनों तरफ वर्क कर देंगे, ये वर्क कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x cos x, और इधर हो जाएगा टी स्क्वायर। तो इसका मान तो हो गया 1। तो 1 माइनस ये क्या हो गया? साइन 2x, तो माइनस साइन 2x बराबर क्या बचा? टी स्क्वायर। साइन 2x बराबर क्या आ गया? 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हमारी सीमा कहाँ से हो गई? माइनस 1 से 0 हो गई, और ये ऊपर वाला डी टी में चला गया 9 + 16, और साइन 2x इज 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर माइनस 1 से 0 डी टी, और ये कितना हो गया? 9 + 16 = 25, और माइनस का 16 टी स्क्वायर। अब 1/16 मैंने कॉमन ले लिया, तो माइनस 1 से 0 डी टी अपॉन ये क्या हो गया? 5/4 - t² फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला। तो देखो, 1/16 - 1 से 0 डी टी अपॉन 5/4 - t², तो 1/16 तो बाहर है कोष्ठक है, और 1/2a बराबर यहाँ पे क्या है? 5/4 log a + x, a बराबर 5/4 + t, और बट्टा 5/4 - t, और सीमा है माइनस 1 से 0। तो जब इसको सरल करेंगे यहाँ से, तो ये तो क्या हो गया? 1/40 और लॉग 5/4, जब सीमा लगेंगे ऊपर वाले 0 और 5/4 - 0, और माइनस करके नीचे वाले सीमा, तो लॉग 5/4 - 1/5/4 + 1, तो ये 1/40 तो है ही है, और ये लॉग 1, लॉग 1 ये क्या हो गया? 0 हो गया, माइनस लॉग, और ये देखो इसको सरल करेंगे तो 5 में से 4 1/9, लॉग 1/9 को 9^-1 ले जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग 9/40। हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? लॉग 9/40, ये सॉल्व हो गया। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिख रखा है उसे दबा दीजिए।